नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को मिली जगह। बलराम यादव की वापसी के साथ मनोज पांडे को हटाया गया। नाराजगी की वजह से शिवपाल यादव रहे कार्यक्रम से दूर। कालेधन में रंग लाई सरकार की कोशिशें। विदेशी बैंकों में जमा 13,000 करोड़ रुपए का हुआ खुलासा। मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को बड़ी उपलब्धि। 34 देशों के मिसाइल ग्रुप MTCR का बना सदस्य। विदेश सचिव एस जयशंकर ने MTCR की सदस्यता पर किए हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में CRPF जवानों के काफिले पर हमले का वीडियो आया सामने। हमले में 8 जवान हुए थे शहीद। विवादों में घिरी पंजाब कांग्रेस की नई प्रभारी आशा कुमारी। डलहौजी से विधायक आशा पर जमीन हड़पने का है आरोप। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। कोपा फाइनल में हार के बाद किया ऐलान। आधुनिक संगीत के जनक आरडी बर्मन का जन्मदिन आज। बर्मन ने दिए हैं कई सुपरहिट गाने। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के साथ, जहां चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें रविदास मेहरोत्रा, शारदा प्रताप शुक्ला, जियाउद्दीन रिजवी, नारद राय का नाम शामिल है। साथ ही मंत्रिमंडल में बलराम यादव की भी वापसी कराई गई है। वहीं मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले अखिलेश यादव ने राज्य के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री मनोज पांडे को हटा दिया है। वहीं सबके बीच हैरान करने वाली बात भी सामने आई, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव कार्यक्रम से दूर रहे। बताया जा रहा है कि कौमी एकता दल को लेकर चाचा भतीजे में टकराव बना हुआ है। शनिवार को संसदीय दल की बैठक में अखिलेश यादव की जिद की वजह से मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि वो कार्यक्रम से पहले ही इटावा रवाना हो गए थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। विदेशों में जमा काले धन पर सरकार की कोशिशें रंग लाती नजर आ रही है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र के मुताबिक सरकार ने अब तक विदेशी बैंकों में जमा 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का पता लगा लिया है। यह आंकड़ा साल 2011 से 2013 में मिली सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। 2013 के आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करने पर करीब 700 भारतीय लोगों के विदेशी बैंकों में खातों का पता चला है। सबसे ज्यादा खाते जिनेवा स्थित HSBC बैंक में है। सरकार को जिनेवा के HSBC बैंक के खातों की मिली जानकारी वाकई चौंकाने वाली है। यहाँ लगभग 400 भारतीयों के डिपॉजिट का पता चला है। यह जानकारी साल 2011 में फ्रांस की सरकार ने दी थी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 8186 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा किया, जो विदेशी खातों के बारे में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। एक इनकम टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक ऐसे खाता धारकों पर 5,377 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, जिसके लिए सरकार की ओर से टैक्स की मांग की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर पर। भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। दुनिया के 4 महत्वपूर्ण परमाणु टेक्नोलॉजी निर्यात करने वाले खास देशों के समूह में MTCR अहम है। परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में शामिल होने की हालिया कोशिश की नाकामी के बाद इसे बेहतर माना जा रहा है। बीते साल ही भारत ने MTCR की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था, जिसके बाद नई दिल्ली में फ्रांस नीदरलैंड की राजदूतों के साथ इस फैसले को अमलीय जामा पहनाया गया। इस मौके पर भारत ने सबकी सहमति से MTCR का सदस्य बनाए जाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताया। MTCR का सदस्य बनने से भारत को प्रमुख उत्पादक देशों से अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग सिस्टम खरीद में मदद मिलेगी। सिर्फ MTCR सदस्य देश ही इसे खरीद सकते हैं। सदस्यता के साथ ही भारत के लिए अमेरिका से ड्रोन तकनीक लेना सरल हो जाएगा और इसी के साथ ही मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी निर्यात कर सकेगा भारत। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पंपोर में हुए आतंकी हमले का नया वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक आतंकी बस पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग की आवाज आप साफ साफ सुन सकते हैं। हालांकि दूसरा आतंकी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मोबाइल से बनाया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को आतंकियों ने CRPF की बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे और 24 अन्य घायल हो गए थे। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी भी मारे गए थे। वहीं हमले के बाद से ही सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफलें, 11 मैगजीन, 6 हैंड ग्रेनेड और कुछ अन्य गोला बारूद भी बरामद किए गए थे। और ये वीडियो उसी हमले का है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि आखिर कैसे आतंकियों ने बस को निशाना बनाया था।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से विधायक आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस का नया प्रभारी बनाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। विवादों के बीच अब वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची। बताया जा रहा है कि आशा कुमारी पर जमीन हड़पने का आरोप है। उन पर 18 साल पहले 60 बीघा सरकारी जमीन अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कराने का आरोप लगा था, जिसके लिए चंबा जिले की एक अदालत ने उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो भी जमानत पर रिहा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रभारी बनाए गए कमलनाथ ने कमान सौंपने के चंद दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष ने 1984 सिख हिंसा में उनकी भूमिका को लेकर काफी सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन आशा कुमारी को प्रभारी बनाए जाने के बाद अब एक बार फिर विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है। और अब अगली खबर खेल प्रेमियों के लिए काफी निराश करने वाली है, क्योंकि अर्जेंटीनाई फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। मेसी ने कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में चिली से मिली 4-2 से हार के बाद ये ऐलान किया। फाइनल मैच खेले जाने के महज 2 घंटे बाद ही मेसी ने ये ऐलान कर दिया कि वह अपनी देश की टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल न्यू जर्सी में खेले जा रहे कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अर्जेंटीना को मिले पेनल्टी शूट में मेसी असफल हो गए थे। ये लगातार दूसरी बार है जब कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के फाइनल में चिली में अर्जेंटीना को हराया है। अपने संन्यास का ऐलान करते हुए मेसी ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने फैसला लिया है कि नेशनल टीम और उनका साथ अब खत्म हो रहा है। हालांकि मेसी अपने फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना के लिए खेलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर। संगीत प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन ही पंचम दा यानी RD बर्मन का जन्म हुआ था। 27 जून 1939 को कोलकाता में राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ था और उनके पिता सचिन देव बर्मन भी प्रसिद्ध संगीतकार थे। संगीत निर्देशन के अलावा पंचम दा ने कई फिल्मों के लिए अपनी आवाज भी दी थी। संगीत पंचम दा को विरासत में मिला था। 60, 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए थे और इसके साथ ही वो आधुनिक संगीत के जनक माने गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।